इवनिंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट आई एम गोइंग टू सॉल्व टुडे क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम डीके गोयल और चैप्टर आपको पता है इशू ऑफ शेयर चल ही रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ही खास नहीं, वो छोटा सा क्वेश्चन है, एक चीज़ समझने वाली है फॉर फ्यूचर की और कैसे सोचते हैं फॉर फ्यूचर की एंट्री में। लेकिन आज कुछ बच्चों ने ऐसा बताया मुझे कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है फॉर फ्यूचर में, जैसा कि मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा, कोई बहुत वो नहीं अपने ऐसे क्वेश्चन लगाए। देखिए सुविधा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ डिवाइडेड इंटू 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 10 करोड़ को उनकी ऑथोराइज कैपिटल है और ₹100 में डिवाइड है, मतलब 10 लाख शेयर। द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर, लेकिन कंपनी ने पब्लिक को कितना इशू किया, ओनली 1 लाख शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। अ शेयर होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, और एक ऐसा शेयर होल्डर जो कि 100 शेयर लिया था जिसने, वो उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया ₹20। दिस शेयर्स वर फॉरफीटेड एंड वर रीइशूड एट ₹90 एज फुल्ली पेड अप। तो एंट्री तो ज्यादा इसने बनाना नहीं है, लेकिन एंट्री के बाद इसमें बैलेंस शीट में जो शो करना, जैसा कि क्वेश्चन में मैंने वो नहीं लिखा, लेकिन बैलेंस शीट में इसको शो करना है। कैसे शो करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ को। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले ना एप्लीकेशन दिया है ना अलॉटमेंट दिया है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आपको कोई एंट्री भी नहीं करनी, बस एक ही एंट्री बना, हालांकि एंट्री कहा भी नहीं क्वेश्चन में, बट फिर भी मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ बस फॉर फ्यूचर की एंट्री। देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट से इसमें मतलब नहीं है, 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया और कोर प्राइस क्वेश्चन में एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है और वो ₹20 फाइनल कॉल का नहीं देता। तो हमने आपको देखिए फॉर फ्यूचर की एंट्री जब भी आप बनाते हैं, मेनली इसीलिए मैं वीडियो भी आज बना रहा हूँ कि जब भी आप फॉर फ्यूचर की एंट्री करने जाएंगे तो आप बस दो चीज़ों को पहले कैलकुलेट करके रख लीजिए कि कितना जो कितना शेयर हम फॉरफिट करने जा रहे हैं और उस शेयर पर कितना पैसा मिल चुका है और कितना नहीं मिला। ये बात याद रखिए कितना पैसा मिल चुका है और कितना नहीं मिला, इसका कैलकुलेशन कीजिए। अब देखिए ₹100 का शेयर है और ₹20 अगर नहीं मिला तो मिला कितना, ₹80। तो देखिए 80 × 100 ये पैसा 8000 मिल चुका और कितना नहीं मिला, 20 × 100 मतलब 2000 नहीं मिला। ठीक है, ये 2000 नहीं मिला जो कि फाइनल कॉल का है, ठीक है, और ये 8000 इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट और जो भी फर्स्ट कॉल अगर रही होगी, या हो सकता है ये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हो गई हो, जो भी पीछे के पैसे है मतलब मिल चुके हैं आपको। तो जब आप फॉर फ्यूचर की एंट्री करने जाते हैं तो देखिए फॉर फ्यूचर की एंट्री का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आपने कंपनी ने उस शेयर होल्डर्स को कि आपका राइट खत्म कर लिया और अपना शेयर फिर से वापस ले लिया और जो पैसा उस शेयर होल्डर ने दिया है वो भी रख लिया। तो करते क्या है, जितना रुपया उस शेयर पे मांगा जा चुका है, जैसे इसमें ₹100 का शेयर है और फाइनल कॉल पे नहीं दे रहे, इसका मतलब पूरा का पूरा ₹100 मांगा जा चुका है, तो उस फुल अमाउंट से मांगी गई राशि से शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, क्यों 10,000 क्यों, 100 × 100 100 शेयर है उसके पास और ₹100 का एक शेयर है तो 10,000। अब देखिए तू अब यहाँ पे जो मैंने अमाउंट कैलकुलेट करवाया जो मिल गया, मिला कितना 8,000। अब ये बताइए फॉरफिट करने का मतलब होता है हड़प लेना, तो कंपनी कौन सा पैसा फॉरफिट करेगी, वही पैसा ना जो पैसा उस शेयर होल्डर ने दे रखा है कंपनी को। तो उस शेयर होल्डर ने ₹80 एक शेयर पे दिया है, 100 शेयर है, इसका मतलब 8,000 दे चुका है वो, तो 8,000 क्या करेंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर
और टू जो पैसा नहीं मिल पाया टू शेयर फाइनल कॉस्ट। ठीक है, अब इसने क्या कहा, शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड वर री इश्यूड एट रुपीज 90। जब दोबारा में हम इसको आगे लिखा एज फुल्ली पेड अप, जब हम मतलब एक बार में पैसा एज फुल्ली पेड अप का मतलब तुरंत एक बार में पैसा मिल गया तो और पूरा का पूरा मिल गया, तो क्या कह रहे हैं कि जब हम उसको री इशू करने जा रहे हैं शेयर को तो वो 90 रुपीज का कर रहे हैं, तो 100 शेयर क्या होगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 90 रुपए का इशू कर रहे हैं 90 रुपीज का, 90 × 200 मींस 9000 और टू शेयर कैपिटल। अब देखिए एक बात को समझने वाली है कि 100 रुपए के शेयर को हम 90 रुपए की कंपनी क्यों इशू कर रही, भाई होता क्या है ज्यादातर फॉरफिटेड शेयर ज्यादातर केसेस में री इशू जो करते हैं वो डिस्काउंट पे करते हैं, कभी कभी बहुत रेप्यूटेड कंपनियां होती हैं तो वो प्रीमियम पे भी इशू कर सकती हैं, लेकिन री इशू की एक वजह बनती है री इशू एट डिस्काउंट पर, एक वजह उसकी बन जाती है क्योंकि जब देखिए जब कंपनियां बल्क में शेयर इशू करती हैं तो कंपनियां अखबारों में और भी जितने माध्यम होते हैं मैगजीन्स में इश्तहार निकलवाती है पब्लिश करती है तो कस्टमर आते हैं। अब री इशू वाला शेयर अब 100 शेयर के लिए वो जाएगी थोड़ी ना अखबारों में इश्तहार निकलवाने, वो क्या करते हैं कि जो री इशू है वो पर्सनल अप्रोच पे किसी को बेच देते हैं 5-10 रुपया या कुछ रुपए का डिस्काउंट का। तो ये जो 100 रुपए की जगह 90 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर पर 10 रुपए का लॉस है, मतलब 100 शेयर पर 1000 रुपीज का लॉस है, तो ये जो हड़पा हुआ फॉरफिटेड पैसा है इसमें से मेंटेन करें। ठीक है, 1000 रुपया उधर से इधर ट्रांसफर कर दिए और शेयर कैपिटल पूरा 100 रुपए का शेयर था और 100 शेयर था तो 10,000 है। ठीक है, एक एंट्री स्टूडेंट और बनेगी, देखिए फॉरफिटेड शेयर कितने रुपए से क्रिएट हुआ 8000 से, और अगर याद रखिएगा ये नियम, अगर फॉरफिटेड शेयर री इशू किया जाता है और री इशू के करने के बाद भी फॉरफीचर में शेयर फॉरफीचर में पैसा दिखता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व में तभी ट्रांसफर करेंगे जबकि शेयर री इशू किया जा चुका है, अगर री इशू नहीं किया गया होता तो हम फॉरफीचर को नहीं डाल सकते थे। 100 शेयर फॉरफीट किया गया और पूरा का पूरा 100 शेयर री इशू कर दिया गया, इसलिए अब जो जितना मेंटेन होना था होना हो गया, जो पैसा बचा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर। टू कैपिटल रिजर्व, अब देखिए स्टूडेंट अब इसी को आप एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, मैंने इसके बारे में बता रखा है आपको और उस फॉर्मेट पर इसको हम दिखाएंगे, कंपनी का फॉर्मेट हमें बना लेने दीजिए। देखिए मैंने फॉर्मेट बना लिया ताकि आपको थोड़ा सा वीडियो पॉज किया था मैंने ताकि आपको थोड़ा समय बचे आपका। ओके, अब देखिए मैंने इसमें ऑलरेडी लिख रखा है थोड़ा सा, एक सबसे पहले ये कंपनी की बैलेंस शीट है, फॉर्मेट है, मैं जो इस पे लिखते हैं जो लीगल चीज है एज ऑन ईयर एंडेड लाइक दैट वो मैंने नहीं लिखा है, बस आपको समझा रहा हूँ, फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। और वैसे अभी आगे बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आपको पढ़ना है तो उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन शेयर को कैसे शो करते हैं, शेयर को कंपनी की बैलेंस शीट में किस हेड में करते हैं, ये हेड याद करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है, मैंने बताया कंपनी की बैलेंस शीट आपके 11 पेजेस से नहीं होती, थोड़ा डिफरेंट होती है, थोड़ा डिफरेंट का मतलब ये कि इसमें सब कुछ हेड में लिखना पड़ता है, सबसे पहले और एक ही साइड पूरा लिखा जाता है, इसमें कोई साइड नहीं होती, पहले सारी की सारी लायबिलिटीज
करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसी तरीके से करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, लाइक दैट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो पहला जो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर पहली जो हेडिंग आती है शेयर कैपिटल फंड, उसमें भी सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल कितने की, 10 करोड़ रुपए की है। हम लिख देते हैं यहाँ पर ये अमाउंट कितना बड़ा है कि ये थोड़ा वाइड होना चाहिए। ठीक है, और इसमें से इंश्यूर्ड कैपिटल कितनी है। अब देखिए जो चीजें बदली नहीं जा सकती उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब ऑथराइज कैपिटल तो बदल नहीं सकती कंपनी की, तो आपने अंडरलाइन कर दिया। इंश्यूर्ड कैपिटल कितनी है, कितना इन्होंने इश्यू किया है। द कंपनी इश्यूड 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज, 1 लाख शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो 1 लाख × 100 मतलब 10 लाख, मतलब 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसमें से सब्सक्राइब कितने हुए हैं, ये भी एक नहीं है, पूरे के पूरे हुए। और एक होता है सब्सक्राइब, और यही फुल्ली पेड अप ही हुआ था, पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए आपको मिल गया। तो आप इसको चाहें तो अंडर के कॉलम में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर सब्सक्राइब कैपिटल में कोई होता है, ऐसा होता है कि इशूड मतलब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो ये फुल्ली पेड अप है, आप लिख सकते हैं सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। भाई जाहिर सी बात हो, जो बच भी गया था उसको री इशू करके फुल्ली पेड अप कर लिए। अब जैसे ये होते हैं वैसे ही दूसरी हेडिंग होती है इसमें, ये इस हिसाब से दूसरी हेडिंग, इसको आप रोमन में आप करके लिख लीजिए। इसको लेकिन कैसे लिखेंगे, इसको मेन ऐसे लिखिए, पहला इसके अंदर पहला, ये रोमन में पहला, और उसी हिसाब से ये दूसरा होता है। एक हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें चला जाएगा कैपिटल रिजर्व, कितना है कैपिटल रिजर्व, आप क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कैपिटल रिजर्व है 7000 रुपीज। आप 7000 लिख दीजिए, बस आपने लिख दिया कैपिटल रिजर्व, और इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुमारो।